हमारा चिंगम भाई छा गया आज, बहुत जबरदस्त जबरदस्त शॉट खेले हैं आज। उसका वही था 20 में 40 हो चुका था उसका, बहुत अच्छा करके गया वो, 28 में 53 करके गया भाई, 3 छक्के भी मारे 5 चौके भी मारे। वो अपनी तरह ही खेला, जैसा उसका स्टाइल है वो उसी तरीके से उसने क्रिकेट खेला। फिर उसके बाद आता है शिवम दुबे। देखो अभी तक मेरे को तो ये नहीं समझ में आती जो यूएसए के खिलाफ बैटिंग की है शिवम दुबे ने, मैंने सुना बहुत क्रिकेट एक्सपर्ट से, अरे फॉर्म वापस आ गई, फॉर्म वापस आ गई। अरे घटिया लोगों, एक एक मैच से फॉर्म वापस आती है? नहीं, 35 रनों में 32 रन बना के फॉर्म आ जाती है लोगों की? अगर ऐसे फॉर्म आती है तो वो भिकारिस्तान के तो सारे प्लेयर ही फॉर्म में है। इसका मतलब पाकिस्तानी कह रहे हैं भैया यार हमारी क्यों बेइज्जती कर रहे हो यार, हम टमाटर को लेना देना भी नहीं, हम तो बाहर हो चुके हैं। भाई तुम पिलोगे, तुम बाहर क्यों हुए, हम मजे किसके लें अब, 7 में 10 किया है भाई। चलो ठीक है, अच्छा, लेकिन एक अच्छी पॉजिटिव बात थी कि छक्का जरूर मारा है, पर अच्छा करेगा दुबे, मुझे ऐसा मेरा मानना है, भरोसा है, अच्छा करेगा, अच्छा करेगा, बहुत अच्छा करेगा। फिर उसके बाद आता है मेरा जय हो मेरा 33 नंबर जर्सी श्री श्री 108 महाराज, मेरा पांड्या पुत्र, मेरा मुर्ग मुशल्लम, मेरा 5,077 रियासतें, हिंदुस्तान के प्रख्यात ऑलराउंडर। आज बहुत बड़ा पॉजिटिव निकल के आया भाई लोगों, बहुत बड़ा पॉजिटिव निकल के आया है। हार्दिक पांड्या ने 24 बॉल में 32 रन बनाए भाई लोगों, आसान नहीं होता है, दांत निकाल रहे हो तुम, समझते नहीं हो तुम लोग यार, 181 में से अगर 32 रन हटा दोगे तो था ही कुछ नहीं। एक बात बताऊं मैं तुम्हें भाई, हमारे ऑलराउंडर, मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, वो हो रखे हैं बुमराह, ओए भाई साहब क्या आदमी है ये, 4 ओवर 1 मेड इन 7 रन 3 विकेट भाई साहब। कोई ताली तूलियों का रिवाज है तुम्हारे घर पे या नहीं है? नहीं मतलब कोई अच्छी परफॉर्मेंस अगर हो जाए या वर्ल्ड कप जीतने के बाद ही तालियां बजानी है तुमने? अरे थोड़ा करा करो यार भाई, यार इतनी अच्छी बॉलिंग कराई है। नहीं मतलब लोकी फर्गसन वो फुद्दू से मैच में 4 ओवर मेड इन डाल के चला जाए फिर तो हाय लोकी हमारा बुमराह कर दे, कोई नहीं बोल रहा यहां पे। नहीं बुमराह के साथ ओपी क्यों नहीं लिख रहे, बुमराह के साथ अब वो किंग वाला क्राउन क्यों नहीं लगा रहे, बुमराह को गोट क्यों नहीं बोला जा रहा? भाई हम बैट्समैनों को ही पूजते हैं, हम बैट्समैनों का ही देश है। वो बेचारा बुमराह देखो कितना दया आती है यार जब वो बयान देता है। देखो सुनो, एक तो उसने लाइन बोली थी कि मैं ना बहुत ज्यादा कोई डेस्परेट नहीं रहता हूं कोई मैजिक डिलीवरी डालने के लिए, साथ में उसने कहा कि हाँ देखो बैट्समैन का तो हमेशा ही मतलब एप्रिसिएशन होती है, हम बॉलर्स को भी थोड़ा मतलब लोग एप्रिशिएट कर रहे हैं, और हमारे लिए भी यूएसए में कहा था, कहते हमारे लिए भी थोड़ा सा इस पिच पे मतलब पिचेस उस तरीके की बनाई गई हैं या हैं जैसा भी है, तो कह रहा अच्छा लग रहा है मुझे ये देख के। लेकिन यार तारीफ होनी चाहिए यार, देखो यहाँ तो कोई ज़्यादा इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं थी बॉलर को, मतलब बैलेंस सिचुएशन थी, बट फिर भी यार 7 रन बहुत कम होते हैं 7 रन यार, बहुत बढ़िया बॉल डाला, और कोई वाइड नहीं है, कोई नो बॉल नहीं है, बहुत बढ़िया। रुको रुको भाइयों, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है। जैसा कि आपने देखा आज मैच भारतीय टीम जीत चुकी है 47 रन से, लेकिन ये जितनी अच्छी नहीं हुई क्योंकि आपको मालूम है रोहित विराट ने ओपनिंग में कुछ खास नहीं कहा, ए बी भाई ने आगे वीडियो में बताया, वो भी आपको देखने को मिलेगा। और साथ में जसप्रीत बुमराह ने ज़बरदस्त गेंदबाजी की और हार्दिक पंड्या, सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, जिसके कारण भारतीय टीम 181 रन बना पाई और ये मुकाबला 47 रन से जीत गई। लेकिन अभी भारतीय टीम काफ़ी कमियां हैं, रॉकस्टार रविंद्र जडेजा अभी भी फॉर्म में नहीं आया है, आगे क्या कहा ए बी भाई ने आप वीडियो को जरूर देखें और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। चलिए, अक्षर पटेल ने 3 ओवरों में मेड इन भी डाला, 1 ओवर 15 रन दिए, 3 विकेट ली और रन भी बनाता है, लेकिन इसके साथ वही कर रहे हैं दिल्ली वाला हाल कर रहे हैं, इसको बैटिंग के लिए इतना नीचे भेजते हैं मैच ही निपट जाता है। इस बार तो खैर ऊपर भेज रही थी आईपीएल में उसकी टीम, उससे पहले वाला आईपीएल जो था उसमें नीचे भेजते थे बहुत ज्यादा। हार्दिक पांड्या जय हो मेरा 33, यहां पे बाद में फोटो लगा दूंगा, यहां खाली जगह रखी मैंने, जय हो मेरा 33 नंबर जर्सी श्री श्री 108 महाराज, पांड्या पुत्र होनियों को मैं झुक के नमन करता हूं, मेरा मुर्ग मुशल्लम, मेरा 5,077 रियासते, हिंदुस्तान का प्रख्यात ऑलराउंडर, बहुत ही शानदार तरीके से आज बैट के साथ डोमिनेट किया है। देखिए मेरा कहने का और बताने का
थोड़ा मतलब मजाकिया अंदाज हो सकता है, लेकिन बात में गहराई पकड़ा करो। बात में गहराई ये है, इंडिया को अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो भाई साहब हार्दिक को इसी तरीके से बढ़िया परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। विकेट कोई नहीं लिया लेकिन दो ओवरों में सिर्फ 13 रन दिए। हार्दिक को इसी तरीके से बॉलिंग में अच्छा करना पड़ेगा, बैटिंग में अच्छा करना पड़ेगा। और अभी भी रॉक स्टार लैग कर रहा है, रॉक स्टार लैग कर रहा है, वो चीज अपने को देखनी पड़ेगी। ये सारी नट जो है ये सारे कस लो, क्योंकि जब सामने से भारी टीम आके टकराएगी ना भाई, छिंदी छिंदी हो सकते हैं। ठीक है, देखो यार मेरी बात सुनो भाई, यहां कोई रोहित के आउट होने पे खुश होता है ना, यहां कोई विराट के आउट होने पे खुश होता है, यहां कोई मुझे समझता है कि जब हार्दिक बर्बाद होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अलग अलग है सबके, लेकिन हमारा सबका मकसद पता क्या है, वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी। समझ में आ रही है कहानी? तो भाई वो जीतने के लिए हर प्लेयर का अच्छा करना जरूरी है, लेकिन इस वर्ल्ड कप में अच्छी चीज ये हो रही है कि बुमराह अच्छा कर रहा है, हार्दिक ने ठीक ठीक करना चालू कर दिया, ऋषभ पंत मेरे लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है, बहुत बड़ा पॉजिटिव है इस वर्ल्ड कप में। मुझे लग रहा था कहीं यही मैच ना लगवा दे। और उसके बाद अर्शदीप ने विकेटें लेनी चालू कर दी, अक्षर बहुत अच्छा कर रहा है। तो ये सारी चीजें कुल मिला के, कुलदीप अभी अभी आया, कुलदीप ने मेरी लाइकिंग के हिसाब से 7-8 रन ज्यादा दे दिए, वो देता नहीं है, लेकिन फिर भी उसने 4 ओवरों में 32 रन ही दिए सिर्फ, और 2 विकेटें भी ली हैं, क्योंकि उसको एक आध ना छक्का वक्का पिल गया है ना, एक आध छक्का पिला है शायद उसको, मैंने ऐसे नोट नहीं किया लेकिन पिला है शायद उसको।